हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुनिधि एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। जैसा कि हमने पिछले दो लेक्चर्स में पढ़ा है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर के बारे में, आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल एंड माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरसेस, कॉलीफॉर्म और फंगाई के बारे में। इसी के साथ हम पढ़ेंगे वाटर बॉर्न डिजीज़ के बारे में, ऐसे डिजीज़ जो पानी से होते हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, इसका एक ही सेल होता है और इसमें कोई भी न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता है, इसमें कोई भी न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता है और इसमें ग्रीन मटेरियल जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, खुद वो अपना खाना बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, वो भी नहीं होता है। क्या क्या नहीं है इसमें? न्यूक्लियस नहीं है और क्लोरोफिल नहीं है। तो ये एक से दो कैसे बढ़ते हैं? एक से दो, दो से चार कैसे बढ़ते जाते हैं? ये बाइनरी फ्यूजन की मदद से क्या होते हैं, बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं। अब आप बोलोगे बैक्टीरिया का शेप कैसा रहता है? ये कोई भी शेप का हो सकता है और साइज़ आपका 1 से 4 माइक्रोन के बीच में रहता है। आप इसको माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, देखते हैं। अब बैक्टीरियाज हमारे दो टाइप के होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक कौन से होते हैं? पैथोजेनिक बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिनकी वजह से क्या होती है, बीमारियाँ होती है। आपको अगर कोई बीमारी बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, मतलब वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से हुआ था, पैथोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से। और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो किसी भी तरीके की बीमारियां नहीं फैलाते हैं, जिनसे कोई भी बीमारियां नहीं होती है, उन बैक्टीरिया को हम नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम जाते हैं प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ एक सिंगल सेल एनिमल है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को खाता है। बैक्टीरिया को खा के क्या करता है, उसमें जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है और उसी वजह से क्या हो जाते हैं, वो बैक्टीरिया से हमको कोई बीमारी नहीं होती है। ये किसका काम है, प्रोटोजोआ का। इसको भी आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरा क्या है, वायरस है। वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, ठीक है। ये सबसे छोटा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है, जिसकी वजह से वो लोग क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। उनके अंदर की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से उनका क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, वो इन्फॉर्मेशन किसके अंदर रहती है, इस वायरस के अंदर में रहती है। भले ये बहुत छोटा है फिर भी ये अपनी जीन्स की इन्फॉर्मेशन क्या करता है, रखता है, ठीक। अब वायरस क्या करते हैं, खुद से सर्वाइव नहीं कर सकते, इनको एक क्या चाहिए रहता है, एक होस्ट चाहिए रहता है, एक दूसरी बॉडी चाहिए रहती है, दूसरी बॉडी चाहिए रहती है जिसके ऊपर वायरस क्या करे, रह के बढ़ सके, ठीक। एक दूसरी बॉडी के ऊपर जाके ये चिपक जाते हैं और उसी का क्या करते हैं, फूड और वाटर लेके वो क्या करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है वायरस को। जैसे हमने अभी देखा है क्या है हमारे पास, अभी नया वायरस कोरोना वायरस, वो भी एक प्रकार का क्या है, वायरस ही है, ठीक। अब हम देखेंगे कॉलीफॉर्म का हम दो नाम और जानते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बी कोलाई और ई कोलाई, बैक्टीरिया कोलाई और एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं जो आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ से प्रेजेंट रहते हैं, फीसिस से, फीसिस ऑफ ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड ह्यूमन। आपका फीसिस क्या है, आपका सीवेज, आपका जो वेस्ट रहता है उस वेस्ट में आपके क्या रहते हैं, कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज रहते हैं। सारे ऑर्गेनिज़म्स के में रहते हैं, चाहे वो आपका एनिमल हो गया चाहे वो ह्यूमन हो गया, सारे ऑर्गेनिज्म में कौन सा बैक्टीरिया रहता है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। इससे हमें ये तो पता नहीं चलता कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया से आपको बीमारियां फैलने के चांसेस नहीं है, बट अगर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया आपका पानी में मिला रहेगा, पानी में मिले रहने से आपका क्या हो जाएगा, वो उसको
पॉल्यूट करके बीमारियां फैलाएगा। अगर पानी में नहीं मिला है तो इससे आपको कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। पानी में मिल जाने से इस पर क्या करता है, ये पैथोजन्स आ जाते हैं जो कि आपको क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। इसकी वजह से आपको अलग अलग तरीके की बीमारियाँ होती है, ठीक। अब इसमें आप बोलोगे मोस्ट पैथोजन्स दैट कैन कॉन्टेमिनेट वाटर सप्लाई कम फ्रॉम द फीसिस ऑफ ह्यूमन और एनिमल। ऐसे पैथोजन्स जिनकी वजह से क्या होता है, पानी वाटर जो रहता है वो कॉन्टेमिनेट होता है, ख़राब होता है, पॉल्यूटेड होता है, वो कहाँ से आते हैं, आपके ह्यूमन और एनिमल के फीसिस से आते हैं, आपके वेस्ट से आते हैं। आपका जो वेस्ट निकलता है बाथरूम से, उसी वेस्ट में आपका क्या रहता है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, और वो अगर आपका सीवेज का पाइप अगर आपके पानी के पाइप के साथ मिल गया तो आपके यहाँ पानी में क्या आ जाएगा, कॉलीफॉर्म आ जाएगा, और वो कॉलीफॉर्म आपका हार्मफुल है अगर आप उसको पिएंगे तो, ठीक। अगर आप किसका टेस्ट करने जाओगे, पैथोजन का टेस्ट करने जाओगे तो आपका क्या लगेगा, बहुत टाइम लगेगा और बहुत महंगा पड़ेगा। किसका टेस्ट करने जाओगे, पैथोजन्स प्रेजेंट हैं कि नहीं आपके पानी में, अगर आप वो देखने जाओगे तो। बट अगर आप कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का टेस्ट करोगे सीधा सीधा तो वो इजी रहता है और सस्ता भी रहता है। इसीलिए पानी में अगर आप कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का टेस्ट किए तो वो इजी पड़ेगा, और अगर आप पैथोजन का टेस्ट करने जाओगे तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये पता चल गया कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया आपके पानी के सैंपल में है और किस लेवल पे है, तो आप उसको अगर उस लेवल से कम कर दिए और पूरा हटा दिए तो आपका पानी का कॉन्टेमिनेशन ख़त्म हो जाएगा और आप उसको आराम से क्या कर सकते हो, पी सकते हो और यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो हम अगर इसकी समरी देखें तो इससे हमको क्या पता चलता है कि अगर आपके पानी में कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है तो आपका कॉलीफॉर्म कहाँ से आया है, ह्यूमन सोर्सेज से आया है, आपका जो डिस्चार्ज आएगा उसके आया है, पैथोजन प्रेजेंट रहेंगे, अगर कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है तो पैथोजन प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, और पैथोजन प्रेजेंट है मतलब आपका वो चीज़ क्या हो गया, हार्मफुल हो गया, चाहे कोई भी चीज़ में पैथोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो जो पैथोजन वाला पानी है उसको हमें नहीं पीना रहेगा, ठीक। और अगर कॉलीफॉर्म प्रेजेंट नहीं है, अगर आपके पानी में कोई भी कॉलीफॉर्म प्रेजेंट नहीं है तो आपको इससे क्या पता चलता है कि इससे इसमें जो भी पैथोजन थे उसको हमने क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है किसी ना किसी मेथड से, ठीक है। अगर कॉलीफॉर्म प्रेजेंट नहीं है तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमने उसमें के सारे जो पैथोजन्स थे उसको हमने क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है कोई ना कोई अदर मेथड अप्लाई करके, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फंगाई। फंगाई क्या होते हैं, आप सबने देखा होगा छोटे छोटे प्लांट या छोटे छोटे फंगस आ जाते हैं कहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा पानी एक्यूमुलेटेड है या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कम धूप है। तो ये क्या है, दिस आर दोज प्लांट्स विच ग्रो विदाउट सनलाइट एंड लिव ऑन अदर प्लांट और एनिमल डेड और अलाइव। ऐसे प्लांट्स हैं जो बिना सनलाइट के उग जाते हैं और किसी दूसरे प्लांट या एनिमल के ऊपर जिंदा रहते हैं, चाहे वो मरा हुआ हो चाहे वो जिंदा हो। और इसको हम हटाते कैसे हैं, क्लोरीन ट्रीटमेंट देते हैं हम फंगस को हटाने के लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वाटरबॉर्न डिजीज़। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वाटरबॉर्न डिजीज़ का। वाटरबॉर्न डिजीज़ क्या होते हैं, ऐसे बीमारियां जो हमको किससे होती है, पानी से हो रही है। कोई भी बीमारी जो आपको पानी, गंदे पानी पीने की वजह से हो रही है, आप उसको बोलोगे कि ये हमको पानी से हुआ है। अभी हम रायपुर में देख रहे हैं पीलिया फैला हुआ है, आप न्यूज़पेपर देखना, न्यूज़पेपर में दे रहा है कि आपका रायपुर में अभी बहुत लोगों को पीलिया हो रहा है। किस वजह से हो रहा है, गंदे पानी की वजह से हो रहा है। पानी आपका ख़राब रहेगा, हमने देखा, अभी हमने फिजिकल देखा, केमिकल देखा और माइक्रोबायोलॉजिकल देखा, उसमें क्या क्या था, इसमें जितने भी पानी में हमें गंदगी दिख रही है उसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ लॉसेस हैं, उस लॉसेस की वजह से आपका पानी क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। क्या लिखा है, वाटरबॉर्न डिजीजेस आर कंडीशंस कॉज्ड बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिटेड इन वाटर। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में आ जाएगा तो उसकी वजह से हमें क्या होगा, वाटरबॉर्न डिजीजेस होगा, ठीक है।
पॉल्यूटेड वाटर रहेगा, उस वाटर को यूज़ कर लेने से हमें जो बीमारी होगी उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस, गंदे पानी से होने वाली बीमारी वाटर बॉर्न डिजीज़ कहलाती है। ठीक है, पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ। ठीक, अब आप बोलोगे कि कैसे फैलेगा, या तो आप नहा रहे हो तब, या आप कुछ धो रहे हो तब। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किससे पड़ता है, ड्रिंकिंग वाटर से। आप उस गंदे पानी को पियोगे तो आपको सबसे ज़्यादा हार्म होगा, या आप उस गंदे पानी से बना हुआ कुछ खाना खाओगे, जैसे हम बाहर का खाते हैं, है ना। तो कई बार आपको ये नहीं पता कि वो पानी साफ है या गंदा है। ठीक है, या ये हो सकता है कि आप जिस प्लेट में खा रहे हो वो गंदे पानी से धुला है, इसलिए आपका खाना ख़राब हो गया और उससे आपको क्या हो गई, वाटर बॉर्न डिजीजेस हो गई। ठीक है, डायरिया और वॉमिटिंग सबसे कॉमन है सिम्टम्स किसके, वाटर बॉर्न इलनेस के। वाटर बॉर्न से बीमारियों के सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, डायरिया और वॉमिटिंग। और अदर सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, और क्या क्या हमको फील होता है, आपका ईयर रेस्पिरेटरी या आई प्रॉब्लम हो जाता है, या स्किन प्रॉब्लम होता है, पर सबसे मेन प्रॉब्लम आपका डायरिया और वॉमिटिंग होता है, सबको कभी ना कभी हुआ ही होगा। ठीक, अब हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर बॉर्न डिजीजेस हमको ना हो। ठीक, सबसे पहला हम ये देख सकते हैं कि आपका जो पानी है वो आपका साफ़ होना चाहिए, साफ़ दिखना चाहिए पानी में, ना मिट्टी दिखनी चाहिए, ना किसी तरीके का रेत दिखना चाहिए, है ना। आप क्या कर सकते हो, पानी को फिल्टर में डाल के साफ कर लिए और उसको आप यूज़ करोगे। ठीक, सेकंड क्या बोल रहा है, ड्रिंक ओनली क्लीन एंड सेफ वाटर। ठीक है, साफ और सुरक्षित पानी ही आपको पीना है, चाहे आप उसको प्यूरीफायर के थ्रू पी लो, या आप उसको उबाल के साफ करके पी लो, है ना, या आपके यहाँ फिल्टर्स लगा लो, आरो लगा लो, कुछ भी लगा के उसको क्या करो, प्यूरीफाई करके ही पानी को पियो। साफ होना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए, तभी आपको उससे कोई बीमारियाँ नहीं होगी। आपको अब नेक्स्ट ये देखना है कि आपका जो पानी घर में हम स्टोर करके रखते हैं पीने के लिए, वो पानी जो है आपकी ऐसी जगह में रखा होना चाहिए जहाँ पे किसी भी तरीके की बीमारियाँ नहीं होनी चाहिए, कोई भी तरीके का जर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहाने का पानी ले रहे हो तो आपको नहाने का पानी अगर गंदा दिख रहा है तो आप उसमें क्या कर लो, एंटीसेप्टिक लिक्विड डाल लो, जैसे कि डेटॉल या कुछ और उसको आप क्या कर लो, पहले साफ़ कर लो और फिर उस पानी से नहाओ। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा प्रिकॉशन, हैंड हाइजीन। अभी सबने ही पढ़ा होगा कि हमको हाथ लगातार धोना है, जिससे हमें वायरस हमारे हाथ में नहीं आएगा और हमारी बॉडी में एंटर नहीं करेगा। तो बस यही चीज़ है, यही बोल रहा है कि आप या वॉशरूम यूज़ कर, टॉयलेट यूज़ करके आ रहे हो, या खाना बनाने के पहले, खाना खाने के पहले, या कुछ पीने के पहले, या बाहर से आने के बाद आप क्या करो, हाथ अच्छे से धो लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टीच हैंड हाइजीन टू चिल्ड्रन। छोटे बच्चों को आप हाथ धोना और हाथ धोने के फ़ायदों के बारे में बताओ, हाथ धोने के कितने फ़ायदे होते हैं और हमें हाथ क्यों धोना चाहिए, ये सब हमको छोटे बच्चों को भी, बच्चे जब छोटे रहते तभी से हमको आदत डाल देनी चाहिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब हमको नेक्स्ट देखना है कि आप जब खाना खा रहे हैं, है ना, तो वो खाना जो है आपका वो अच्छे से धुला हुआ होना चाहिए और अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। ठीक, आप अगर बाहर का खाना खा रहे हैं तो आप ये निश्चित कीजिए कि आप जो खाना खा रहे हैं वो जो प्लेट्स यूज़ कर रहा है वो डिस्पोजेबल वाले होने चाहिए, बार बार धो के अगर यूज़ कर रहा है तो उसमें आपके जर्म्स फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आपको आखिरी ये बोल रहा है कि आपको कभी भी बाहर का नहीं खाना है। ठीक है, फ्रिज में रखा हुआ खाना नहीं खाना है और बहुत देर तक रखा हुआ खाना को खाने से बचना है। ये सारी चीज़ें करके आप क्या कर सकते हो, वाटर बॉर्न डिजीजेस से बच सकते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे टॉपिक्स क्या हैं समझ में आए होंगे, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।